हाय दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्केमेटिक लेआउट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्केमेटिक लेआउट क्यों बनाया जाता है। जब हम लोग VRF या VRV का काम करते हैं तब हमें स्केमेटिक लेआउट का ज़रूरत पड़ता है। कुछ कंपनी इसके लिए अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, कुछ नहीं करती है। जो कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करती है उस कंपनी का स्केमेटिक लेआउट हम लोग ऑटोकैड में बनाते हैं। और जब हम लोग स्केमेटिक लेआउट बनाते हैं तो हमें उस लेआउट में क्या क्या डिटेल्स देना होता है वो देख लेते हैं। पहला डिटेल्स जो है आउटडोर मॉडल नंबर डालना होगा, दूसरा इंडोर मॉडल नंबर डालना होगा, तीसरा दोनों पाइप का साइज और लेंथ डालना होगा, चौथा कैपेसिटी इंडेक्स डालना होगा। अगर आप डाइकिन का स्केमेटिक लेआउट बना रहे हैं तो, अगर आप अदर कंपनी का बना रहे हैं तो आपको टन लिखना होगा। पांचवा है हमारा रेफनेट का साइज लिखना होगा। छठा है हमारा इंडोर और आउटडोर का साइज लिखना होगा। ये 6 बातें हमें याद रखते हुए स्केमेटिक लेआउट बनाना होता है। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट का स्केमेटिक लेआउट बनाकर देख लेते हैं ताकि हमें स्केमेटिक लेआउट बनाना आ जाए। तो हमने आपके सामने में ये एक पुराना छोटा सा प्रोजेक्ट था उसका स्केमेटिक लेआउट ओपन करके हूँ। इसमें आपको सारा डिटेल्स दिख रहा होगा। अब ये चीज़ हमने कैसे बनाया है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने 12 HP का साइड डिस्चार्ज VRV यूज़ किया है जो कि डैकिन का है, जिसमें हम लोगों ने 4 कैसेट AC यूज़ किया है और 4 हाई वॉल यूज़ किया है। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल केबिन है जिसके वजह से हम लोगों ने इतना इंडोर यूज़ किया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ये जो है 118.5 का जो पाइप है ये हमारा आउटडोर में कनेक्ट हो रहा है और ये बिल्डिंग में एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो अब ये पाइप को हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने जो है आउटडोर का मॉडल नंबर लिख दिया और आउटडोर का ये एक नॉर्मली रेक्टेंगुलर में आउटडोर बना लिया और इसे एक लाइन खींच लिया जो कि हमारा पाइप आ गया आउटडोर से इंडोर, ये आउटडोर से फर्स्ट रेफिनेट के पास। अब हम लोग यहाँ पे रेफिनेट यूज कर लिए। अब रेफिनेट से क्या होगा, हमारा एक पाइप स्ट्रेट जाएगा और एक पाइप हमारा इंडोर में कनेक्ट होगा। तो अब ये इंडोर में कनेक्ट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है हम लोग ड्राइंग में चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रेफिनेट कनेक्ट हुआ, फिर फर्स्ट रेफिनेट से सेकेंड रेफिनेट कनेक्ट हो रहा है और थर्ड भी हमारा रेफिनेट ही कनेक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस रेफिनेट को फिर से कॉपी करके सेम हम लोग आगे बढ़ा देंगे। और इस वाले में भी हम लोगों का क्या है, रेफिनेट यूज हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और उसके बाद फिर इसमें भी हम लोग सेम रेफिनेट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो हमारा दोनों में रेफिनेट यूज हो रहा था। अब हम लोग ये लाइन को पकड़ के पहले बना लें या फिर ये लाइन को, बात एक ही है। तो अभी हम लोग ये लाइन में चलते हैं। इस रेफिनेट के बाद क्या है, एक हमारा इंडोर कनेक्ट हो रहा है और फिर रेफिनेट लग रहा है। तो ये कौन सा इंडोर हम लोग का कनेक्ट हो रहा है, 0.83 TR का हाई वॉल है जो कि, तो इसको भी हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे पेस्ट करके हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं। उसके बाद पॉली लाइन फिर से ले लेते हैं हम लोग और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया। फिर हम लोगों का क्या है, सेकेंड फिर रेफिनेट एक कनेक्ट है, तो हम लोग आगे ले जाके फिर एक रेफिनेट कनेक्ट कर देते हैं। फिर रेफिनेट के बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पे 0.83 का हाई वॉल कनेक्ट है और फिर ये रेफिनेट दूसरे रेफिनेट से कनेक्ट है। तो हम लोग सेम इसका यही प्रोसेस करते हैं, फिर से इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सेकेंड रेफिनेट के लिए बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे का देख लेते हैं। हम लोगों ने 2 इंडोर कनेक्ट कर लिया ये दोनों। फिर अब इस रेफिनेट तक तो हम लोग पहुंच चुके थे, इस रेफिनेट के बाद देखिए दोनों इंडोर ही कनेक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो सेम हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कितना टन का है, 0.83 का है और दोनों 0.83 का है। तो हम लोग फिर यहाँ पे एक रेफिनेट कनेक्ट कर देते हैं
और इसमें एक 0.83 को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा जो है एक सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए एक लाइन जो है, ये जो लाइन ऊपर में जा रहा था ये रेफिनेट वाला, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला आ रहा है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ रेफिनेट तक तो हम लोग रेफिनेट वहाँ पे पुट कर दिए थे, अब इस रेफिनेट से एक हम लोगों का 1.32 TR का कैसेट यूनिट कनेक्ट है। तो अभी हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं। फिर इससे आगे पॉली लाइन ले लेते हैं और रेफिनेट को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये वाला कैसेट ऐड कर लिया था, अभी ये कैसेट को ऐड करना है। फिर इसके बाद हम लोग सेम वही प्रोसेस करेंगे, पॉली लाइन ये करके ड्रॉ करके फिर उसमें हम लोग एक रेफिनेट को ऐड कर देंगे। फिर से ड्राइंग को चेक कर लेते हैं हम लोग, ये दो हो गया। अब हमारा फिर तीसरा क्या है, यहाँ पे 2.64 का एक कैसेट एसी है, इसको भी हम लोग कॉपी करके आगे ऐड कर देते हैं। फिर हम लोग इसमें सेम प्रोसेस आगे एक रेफिनेट ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2.64 का जो कैसेट है यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे 1.32 का एक हाई वॉल है और उसके बाद लास्ट हमारा 2.08 का कैसेट है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लिए, अब इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि हम लोग पॉली लाइन इंटर किए, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद एक ही कैसेट था, आगे कोई रेफिनेट वगैरह नहीं यूज़ किया है, तो सीधा हम लोग इससे ही एक और इंडोर कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा ये 2.08 का है। तो ये देखिए हमारा जो है कैसे कैसे क्या कनेक्ट है वो चीज़ हो गया। अब हमको इसमें सारा का डिटेल्स डालना है, तो आपको डिटेल्स सबसे लास्ट से स्टार्ट करना है। ये हमारा कितना का है, 0.83 टन और कैपेसिटी इंडेक्स बोले तो ये 25 का है। तो एज पर आपका जो भी ड्राइंग होगा, अगर वोल्टास का हुआ तो आप वोल्टास के हिसाब से इसका पाइप का साइज लिख दीजिएगा। हमारा डाइकिन का है तो हम डाइकिन के हिसाब से यहाँ पे देखिए गैस लाइन हमारा कौन सा यूज होगा, लिक्विड लाइन हमारा कौन सा यूज होगा और कैपेसिटी इंडेक्स हमारा कितना था 25 और ये जो है पाइप हमारा कितना लेंथ का है उस हिसाब से हमने यहाँ पे लेंथ डाल दिया। तो इसी तरीके से आप सारा का डिटेल्स डाल दीजिए। तो अगर सारे का डिटेल्स डालिएगा तो आपके पास इस तरीके का सारा डिटेल्स आ जाएगा। हर एक रेफिनेट के पास यहाँ पे 50 कैसे आया, ये 25 जुड़ के 50 आया और 50 के लिए हम लोग 22 का रेफिनेट यूज़ करते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़े तो इसका फिर 25 ऐड होके 75 हो गया। ठीक, इसका ऐड होकर के 75 और 25 100 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने 100 का यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर हम लोग इस लास्ट में इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से ऐड करते हुए आके लास्ट में हम लोग आउटडोर तक का जो भी पाइप का साइज होगा वो मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम लोगों को सबसे बड़ा इसका जो है, हर एक इंडोर की कैपेसिटी अलग अलग है, जैसे 1.32 टन का है, 2.64 का है, 1.32 का है, 2.08 का है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सेल में डिटेल्स बना करके इसको हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। तो ये चीज जो है कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे ऐड करते हैं इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी स्कीमेटिक लेआउट बनाना आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्स से जानना हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट करें, या फिर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो भी आप लोग कॉमेंट करें, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।